दोस्तों, जंगल में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होती। ताकतवर जानवर कमजोरों का शिकार करके न सिर्फ अपनी भूख को शांत करते हैं, बल्कि दूसरे सभी जानवरों के बीच भय पैदा करने में कामयाब होते हैं। साफ साफ शब्दों में कहें तो जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, जंगल का राजा भी वही बनता है। और जब बात जंगल पर राज करने की हो तो भला कोई शेर को कैसे भूल सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही बहादुर शेर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके कारनामों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती है। अफ्रीका में उसकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है। आमतौर पर शेरों को अपने बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन काली दूसरों से बिल्कुल अलग था। काली ने अपने भाई और बच्चों के लिए प्यार की जो मिसाल पेश की, उसका कोई जवाब नहीं है। वह लड़ा और तब तक लड़ता रहा जब तक पूरे जंगल में उसका साम्राज्य कायम नहीं हो गया। यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से आप हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे। ज्ञान टीवी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, इसीलिए हम इस तरह के वीडियो लगातार बना रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, मसाई मारा अफ्रीका का वह जंगल है जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। मसाई मारा में पैदा होने वाला हर जानवर डर के साय में जीता है। यहाँ जिंदगी एक जुए की तरह होती है जो कभी भी खत्म हो सकती है। सैकड़ों मील दूर तक फैले इस घने जंगल में वही जिंदा रहता है जिसमें मरने का खौफ नहीं होता, और जो डर गया समझो मर गया। 1998 में जब काली पैदा हुआ तो वह जंगल के नियम और कानून से पूरी तरह अनजान था। वह एक बड़े और मजबूत परिवार का सदस्य था, इसलिए पूरे जंगल को अपनी जागीर समझता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, जंगल की हकीकत उसके सामने आती गई। 2004 आते आते उसका यह भ्रम भी टूट गया कि परिवार के सभी सदस्य उसका हमेशा साथ देंगे और खाने के लिए उसे कभी अकेले शिकार नहीं करना पड़ेगा। 6 साल की उम्र में ही उसे झुंड से अलग कर दिया गया। शेरों की दुनिया के अपने अलग नियम होते हैं। जब शेर के बच्चे जवान हो जाते हैं तो उन्हें एक नए झुंड की तलाश होती है, या फिर उन्हें अपने पिता से लड़कर झुंड को हथियाना होता है। चूंकि काली के मिजाज में बगावत नहीं थी, इसीलिए उसने जंगल के नियमों को मानते हुए झुंड को अलविदा कह दिया। झुंड छोड़ते वक्त उसके साथ उसका भाई भी था। काली एक बहादुर शेर था और उसे अब अच्छी तरह समझ में आ गया था कि सबसे ताकतवर शेर ही अपने झुंड का मुखिया होता है। शेर दूसरे झुंड के मुखिया को हराकर उसके झुंड के मुखिया बन जाते हैं और शेरनियों के साथ मिलकर अपना नया परिवार बनाते हैं। बस फिर क्या था, काली अपने भाई के साथ मिलकर एक नए झुंड की तलाश में निकल पड़ा और मौका पाते ही इन्होंने एक झुंड पर हमला कर दिया। दूसरे झुंड का मुखिया काफी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वह काली जैसे ताकतवर और खूनखार शेर के सामने टिक नहीं सका। वह अपनी हार स्वीकार करते हुए झुंड को छोड़कर भाग गया। काली अब इस नए झुंड का मुखिया था। झुंड की सभी शेरनियां जो उस बूढ़े शेर की निगरानी में रहती थी, काली अब उनका मालिक बन चुका था। झुंड में जो कुछ भी था सब काली और उसके भाई का हो गया था। साफ साफ शब्दों में कहे तो काली ने अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया था और उसे चुनौती देने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था। इस बीच कई दूसरे शेरों ने झुंड पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सभी को मुंह की खानी पड़ी। यह बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई कि काली को कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद दूसरे झुंड से अलग हुए खतरनाक से खतरनाक शेर भी काली से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। काली की एक दहाड़ सुनकर दुश्मन थरथर कांपने लगते थे, लेकिन कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। काली के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। इलाके में 3 नए खूनखार शेर घुस आए जिनकी बुरी नजर काली के झुंड पर थी। वो पूरे झुंड पर कब्जा करने के साथ झुंड की सुडैल शेरनियों को अपना बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने मौका पाते ही झुंड पर हमला कर दिया, लेकिन उन्हें शायद काली और उसके भाई की ताकत का अंदाजा नहीं था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना तीनों से भिड़ गए। एक साथ 5 शेरों की दहार पूरे जंगल में गूंज रही थी। यह इलाका अब जंग का मैदान बन चुका था। वह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। उन तीनों शेरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनके नुकीले दांत और पंजे काली और उसके भाई के शरीर पर पड़ते तो उनकी चीख निकल आती थी, लेकिन वो भी शेरों के शेर थे। काली और उसके भाई ने जवाबी हमला बंद नहीं किया। वो तीनों शेरों पर एक के बाद एक घातक वार कर रहे थे। लगातार हमला होने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो चुके थे और उन्हें इस दौरान एहसास हुआ कि फिलहाल मैदान छोड़कर भागने में ही भलाई है। तीनों को भागते देख काली ने भी चैन की सांस ली, लेकिन उसके भाई की सांस बंद हो चुकी थी। वह पूरी तरह घायल होने के बाद खुद को बचा नहीं सका। काली यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह झुंड को बचाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन भाई की मौत के बाद अंदर से टूट चुका था। उसने यह सोचकर दहाड़ना बंद कर दिया कि कहीं दुश्मनी से चुनौती न समझ ले। उधर जंग में बुरी तरह हार चुके तीनों शेर भी खार खाए बैठे हुए थे। वह खुद को मजबूत कर रहे थे। 1.5 साल के बाद उन्होंने एक बार फिर से काली के झुंड पर हमला कर दिया। काली अब पहले से कमजोर हो चुका था। उसके बच्चे छोटे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तीनों से फिर लड़ा, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसे हार का सामना करना पड़ा।
उन तीनों शेरों ने झुंड पर कब्जा कर लिया। इसके साथ उन शेरनियों पर भी, जो अब तक काली की निगरानी में रह रही थी। हार के बाद काली अपने बच्चों को लेकर इलाके से निकल गया। इलाके पर अब उन तीनों शेरों का कब्जा था, वो जिसे चाहते चीर फाड़ कर खा जाते। उनके पास रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। काली दूसरे इलाकों में रहकर ये सब खामोशी के साथ देख रहा था। वह बस अपने बच्चों के बड़े होने का इंतजार कर रहा था, उन्हें शिकार करना सिखा रहा था। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके अंदर एक काबिल और एक बहादुर शेर की खूबियां आ रही थी। 2 साल के बाद काली एक नई जंग के लिए तैयार हो चुका था। उसके घाव अब भर चुके थे, वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और एक दिन उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर झुंड पर हमला कर दिया। काली को अपनी पुरानी ताकत में देखकर वो तीनों शेर घबरा गए। काली के साथ उसके बच्चे भी थे, जो अब बड़े हो चुके थे, और वो अपने बाप की हार का बदला लेने के लिए बेताब थे। बस फिर क्या था, उन्होंने उन तीनों शेरों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। कुछ देर के बाद ही फिजा में सन्नाटा छा गया। वह तीनों शेर मैदान छोड़कर भाग गए। शेरनियां झुंड के पुराने मुखिया के स्वागत के लिए तैयार थी। अब झुंड पर काली का कब्जा हो चुका था, वह एक बार फिर से अपने परिवार में लौट चुका था। काली ने इसके बाद अपने बच्चों के साथ मिलकर मसाई मारा के 2 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। इलाके पर फिर से उनका साम्राज्य कायम हो चुका था। झुंड पर दोबारा हमला ना होने पाए, इसीलिए उन्होंने आसपास के इलाकों में मौजूद ज्यादातर शेरों को मौत के घाट उतार दिया। जो जान बचाने में कामयाब हुए थे, वह मसाई मारा को छोड़कर दूसरे जंगलों की तरफ भाग गए। मतलब साफ था कि अब काली को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। लेकिन इन सबके बीच काली काफी कमजोर हो चुका था। वह अपनी विरासत अपने बच्चों को सौंपना चाहता था, लेकिन फिलहाल उनमें से किसी में यह काबिलियत नहीं थी कि वह झुंड की अगुवाई कर पाते। काली जानता था कि आने वाला वक्त सब कुछ बदल देगा। जंगल में कोई किसी का नहीं है, यहाँ सिर्फ ताकत की पूजा होती है। जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, वह जंगल का राजा कहलाता है, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस भी होती है। झुंड की अगुवाई के लिए कोई काबिल सदस्य आगे बढ़ता, इससे पहले ही काली की मौत हो गई। 2014 में काली की मौत के बाद मानो सब कुछ बदल गया। मौत के बाद काली के बच्चे उसकी विरासत को संभाल नहीं पाए। उनका झुंड देखते ही देखते पूरी तरह बिखर गया। दूसरे इलाके के दबंग शेरों ने झुंड पर कब्जा कर लिया। झुंड की शेरनियां अब उनकी हो चुकी थी। इलाके में अब बाकी था तो सिर्फ काली का नाम, जो इतिहास बन चुका था। उसके 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। बचे हुए 3 बच्चे नए झुंड की तलाश में निकल गए थे, लेकिन काली की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। 2010 से लेकर 2014 के बीच ज्यादातर वर्ल्ड लाइव स्टोरी कवर करने वाले लोग मसाई मारा के जंगल में पहुंचते थे, जो काली की बेपनाह ताकत और अपने बच्चों के प्रति उसके प्यार को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शेर अपने बच्चों के लिए इतने वफादार कैसे हो सकते हैं। आमतौर पर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी शेरनियों की होती है, वही बच्चों को शिकार करने का तरीका भी सिखाती हैं। लेकिन काली दूसरे शेरों की तरह नहीं था, और शायद यही वजह है कि वह अफ्रीका के लिए एक महान शेर साबित हुआ। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इस बारे में हमें जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।